इतने ही बच्चों के आज हमारे पास भी डीएम्स आते हैं, हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं। घर वाले कहते हैं पढ़ लो, हमारा मन करता नहीं है, लेकिन हमें करना है हमें ये भी नहीं पता, भटका हुआ बहुत ज़्यादा मन है। तो खुद की ज़िंदगी की कॉलिंग, जैसे कहते हैं ना कि आपको इस लाइन में आना था, ये आपकी कॉलिंग आई, तो सेम इस तरीके से जो लाखों बच्चे हैं इस देश के जिनको यही नहीं पता कि हमें किस लाइन में जाना चाहिए, किस लाइन में हम एक्सेल कर सकते, वो कैसे आए। देखिए, ठाकुर जी ने आपको किसी ना किसी कार्य के लिए तो बनाकर भेजा है, राइट, है ना, और वो या तो आप किसी के माध्यम से प्राप्त कर लीजिए या आप अपना संपर्क खुद ठाकुर जी के साथ बहुत स्ट्रांग कर लीजिए। तो ऐसे बच्चों को हर शाम को संध्या के बाद, लेकिन मेरा इसके अंदर नियम होगा कि आपको किसी भी तरह का नॉनवेज, लहसुन प्याज नहीं खाना, आपको बहुत सात्विक रहना पड़ेगा और 11 दिन लगातार आपको ये कार्य करना होगा। एक घी का दीपक जलाएंगे, लाल वस्त्र पहनेंगे, सिद्ध कुंजिका का पाठ करेंगे, सिद्ध कुंजिका, और माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि मेरी लाइफ के लिए जो ठीक रास्ता है वो या तो किसी के माध्यम से मुझे पता चल जाए या आप ही मुझे इसके लिए एक गाइडेंस दे दें। ओके। और सब्र करना होगा, ये नहीं कि 11 दिन पूरे हुए तो 12वें दिन ही माता रानी आएंगे और आपको बता देंगे, ऐसा नहीं होता। आप लोग यंगस्टर्स हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी हुई है, आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई उपाय करते हैं, उससे 3 घड़ी से लेकर 3 महीने तक का टाइम लगता है परिपूर्ण होने। और अगर आपको करियर में वो ग्रोथ चाहिए या फिर करियर में आप चाहते हैं कि आपको वो ड्रीम जॉब मिले, तो ड्रीम जॉब के लिए भी आपने कुछ बताया, और कुछ आप ड्रीम जॉब के लिए ऐड करना चाहते हैं? हनुमान जी के मंदिर में जाकर 108 बार श्री राम जी का नाम लिख के उनके मस्तिष्क पर रखवा दीजिए और अपने मन की मनोकामना बोल दीजिए। एंड ये एक बार करना है? हाँ, एक बार करना है। किसी पर्टिकुलर दिन? मंगलवार या शनिवार।